यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं हरियाणा के सोनीपत में पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी सफलता हाथ लगी है और यहां पर पुलिस ने एक नशा तस्कर को 57 किलो 765 ग्राम चूरा पोस्ट के साथ काबू किया है। आरोपी की पहचान करनाल निवासी रमेश के रूप में की गई है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी उत्तर प्रदेश से नशीला पदार्थ ला रहा है, जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ हरियाणा की जो नशे के खिलाफ मुहिम है उसको जारी रखते हुए हमने रमेश उर्फ मेशा है दबन खेड़ी का गुलाका कैथल में पड़ता है, इसको गिरफ्तार करा है। टोटल 57 किलो के करीबन जो है डोडा इसे मिला है। गाड़ी के अंदर था, इसे गाड़ी रिकवर करी है, वरना गाड़ी थी चंडीगढ़ नंबर की और ये यूपी से लेके आ रहा था। आज TPS मुरथल के पास GT रोड से हमने इसको ट्रैप करके पकड़ा है। हमारी टीम एसटीएफ सोनीपत ने करा था तो नशे के सामान के साथ इसको गिरफ्तार किया है। ये अभी हम पूछताछ कर रहे हैं कि ये लेके कहाँ से आया था और इसने आगे कहाँ देना था, ये कड़ियाँ जोड़ेंगे। अभी इसका पुलिस रिमांड लेंगे ताकि क्लियर हो सके ये बात।